मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जितने कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं उतनी शादियों के केस भी क्यों बढ़ते जा रहे हैं। मतलब लोग कैसे इतने पागल हो सकते कि भाई ऐसे टाइम में तुम्हें ब्याह करने हैं सारे। मतलब लड़कियां और लड़के रुक नहीं सकते हैं? अभी इतने सालों से भी तो रुके पड़े थे ना, एक साल और रुक जाओ, वैक्सीन आने दो। पर नहीं भाई, सबको इसी टाइम करनी है। माँ बापों ने भी देखो क्या निंजा टेक्निक निकाली है कि बुलाएंगे भी सबको और 50 से ज्यादा नहीं होंगे। कैसे? शादी व्हाट्सएप पे कार्ड भेज रहे हैं शादी का, ठीक है ना। उसमें टाइमिंग भी लिख दी है कि बहन जी आपकी एंट्री होगी 7 से 8, ठीक है। उस टाइम में आप आ सको तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला बैच आ जाएगा हमारा। ये सच्ची की बात है, ऐसा मेरे को आया था एक का मैसेज कि दीदी आपको आना है शादी में, 7 से 8 की टाइमिंग है। मैंने पूछा भाई 7 से 8 का क्या मतलब है, कहते नहीं वो फिर दूसरे लोगों को भी हमने टाइम दे रखा है ना, फिर थोड़ा टाइम बैठ जाएगा, फिर 50 से ज्यादा जने हो जाएंगे। हम ठीक है, मैं पक्का आऊंगी। ऐसे थोड़े ना आ जाता भाई, बस 7 से 8 तो चालू होती है, लड़कियां तैयार हो ना। और कई कई लोगों को तो मतलब फर्क ही नहीं पड़ता भाई कि लोग ज्यादा हुए काम हुए, उनको चाहिए फुल एंटरटेनमेंट। कैसे? अभी कल परसों मेरी एक अंकल से बात हो रही, अंकल ने कहा बेटे मेरी बेटी की शादी है तो आप सबको आना है। मैंने कहा अंकल सबको? मतलब भाई अभी तो कोरोना चल रहा है, मम्मी आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे, मैं क्या करूंगी? कहते नहीं बेटा आपका आना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? मैंने पूछा क्यों? तो कहते अरे आप डांस करोगे, वहां पे माहौल बनाओगे, तो आपका तो जरूरी हुआ ना, है ना। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। और मेरे मन में ये चल रहा था कि हाँ भाई कोरोना तो मिथुन है ना DID का, जो जैसी मेरे पास आने की कोशिश करेगा कहेगा ओहो क्या बात क्या बात, आप इतना अच्छा डांस कर रहे हो दीदी, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप मुंबई आओ, वहां पे आपको तकदीर की टोपी मिलेगी। मैं जाता हूँ किसी और शादी में जहाँ माहौल नहीं बन रहा होगा। जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं ना, लोग अपने कान बंद करते जा रहे हैं। मतलब अगर किसी को कहो ना कि भाई साहब शादी कैसे करो इस टाइम में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हाँ जी हाँ जी नमस्ते नमस्ते, खाना जरूर खा के जाना, ठीक है। असली दुख जो है ना मुझे, वो सिर्फ लड़कियों का है। बेचारियों के कितने सपने होते कि अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगी, वो मेरी स्टोरी डालेंगे इंस्टा पे, फिर सब पूछेंगी हाय हाय इसकी शादी होगी, मेरे बारे में बातें बनेंगी, जो चिढ़ती हैं वो भी पूछेंगी, वो मेरे को ज़बरदस्ती कंग्रेचुलेशन करेंगी, मैं अच्छे से लहंगा पहनूंगी, महंगे से महंगा लहंगा पहनूंगी, फ्लॉन्ट करूंगी, ये वो। अब कैसे करेंगी वो भाई, तुमने तो उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। इन सब की जो जड़ की फसाद है वो है नेहा कक्कड़ का गाना, पहली बारी है मंगते मम्मी ने बुला लेंगी। उसने गाया, उसने शादी की, उसने सबके दिमाग में डाला कि ये गाना अपनी शादी में बजवाओगे तो आपकी शादी और भी ज्यादा अच्छी लगेगी, इंस्टा पे रील डालो, ये करो वो करो। नेहा जी क्यों इतने अच्छे गाने मत बनाओ यार, कि लोग मतलब उनके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आए ऐसे टाइम पे कि शादी करेंगे। उई हुई।